हेलो नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षालों पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को प्रतिशत चैप्टर के बारे में कुछ चीज़ों को बताएंगे जो नए नए कॉन्सेप्ट होंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन तक आप लोगों को हम बताएंगे, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामिनेशन में ये पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका रोल बहुत ज़्यादा रहता है। कोई भी चैप्टर हो, जैसे कि आप लोग परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसका रोल आता है, ठीक है। और आप लोगों को अगर CI और SI यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया जाएगा तो भी वहाँ पर प्रतिशत आता है, यानी कि प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना होगा, ठीक है। आपको ये चैप्टर हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, ये जो UPPET है, UPPET के अनुसार आपको सारी चीज़ों के बारे में सारे कॉन्सेप्ट को बताएंगे। आप लोग बस केवल वन बाई वन सारे लेक्चर को देखते जाइएगा, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे, जो भी इसके ट्रिक्स होंगी सारे ट्रिक के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे और बेहतर टू बेहतर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे को यहाँ पर हम करवाएंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। आप लोग अपने प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए परीक्षा वाला चैनल से जुड़े। आइए हम लोग बात करते हैं कि प्रतिशत के बात अगर करते हैं तो प्रतिशत एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। यानी कि प्रतिशत के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको जानना होगा कि प्रतिशत जो हमारा है वो होता क्या है एक्चुअल में। प्रति का मतलब होता है क्या, वन होता है, ठीक है। सत का मतलब होता है हमारे पास कितना, 100, ठीक। यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है एक बटे सौ, यही क्या होता है, प्रतिशत होता है। यानी कि जिस भी भिन्न के हर में क्या आ जाए, 100 आ जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। और प्रतिशत को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक। अब देखिए बात आती है कि हमारे पास प्रतिशत में 1/100 कितना है, 1/100 है, ठीक है, 1/100 है। तो ऊपर जो हमारे पास क्या है, अंश है, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसको हम आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। यानी कि ऊपर अंश है तो अंश को हम लोग क्या कहते हैं, दर प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश को दर प्रतिशत कहते हैं, ठीक है, दर प्रतिशत, ठीक। और जो हमारे पास यहां पर कितना 100 है, ये तो हमारे पास 1/100 क्या है, भिन्न है, ठीक, फ्रैक्शन जिसको कहते हैं। यानी कि 1/100 जब भी हमारे पास प्रतिशत को हटाना रहे, प्रतिशत को रिमूव करना रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं, ठीक। अब बात आती है कि जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, ठीक, आप लोग ध्यान से देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आप लोगों को दिए रहते हैं तो आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ट्रिक के माध्यम से या फिर जैसे भी कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। कह रहा है कि यदि यक्ष का मान कितना है, 10% है, ठीक है, यक्ष का मान 10% कह रहा है और बराबर किसके है, वाई के 25% के बराबर है। तो बताना है आपको यक्ष बटे वाई, यानी कि यक्ष अनुपाते वाई आपको बताना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर यक्ष है, यक्ष का कितना बता रहा है, 10%, यानी कि का को हम लोग किस में बदलते हैं, गुणा में, और 10% यानी कि 10/100 हो जाएगा। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब बात आती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि y का 25% यानी कि y गुणे में क्या कर देंगे, 1/100, ठीक, 25% है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 25 बटे में 100। अब बात आती है कि इसको सॉल्व कर ले, यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, x बटे में y इधर ले लेंगे और ऊपर कितना है 25 और 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि गुणा हो जाएगा, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे, 5 × 25 = 5×10, यानी कि x अनुपाते y की बात अगर किया जाए तो कितना आ गया, 5/2, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको जो पेट जो 2023 का है, पेट 2023 में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। मैथ्स के सेक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन जो आपका प्रतिशत चैप्टर है उसमें अवेलेबल,
आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे और सारे सारे टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे, जो भी आपके प्रश्न से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकेंगे सारे करवाएंगे। और आप लोग अगर यूपी पेट के टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में यूपी पेट के नाम से हम प्रतिशत चैप्टर को पढ़ा रखें, आप लोग वहाँ से जाकर के वीडियो को देख कर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 50 का 860% ठीक है, 50 का 860% यानी कि 50 × 860% है, तो प्रतिशत को हम लोग क्या करेंगे, हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, और यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस 860 का 50% यानी कि 50/100 क्या हो जाएगा, 100, प्रतिशत को हटाना है, 0 से 0 कट जाएगा ठीक है, और ये 0 से 0 दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए 86 यहाँ पर भी, 86 यहाँ पर भी, तो हम लोग 86 को बाहर कर लेंगे और यहाँ पर कितना, 5, और यहाँ पर क्या बचेगा, 5, यानी कि 86 गुणे में 5 कितना आ जाएगा, 10, यानी कि 860 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो एग्जाम होते हैं यूपी गवर्नमेंट के जो एग्जाम है या फिर प्रतिशत चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं ठीक है, और भी जो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को आपको करवाएंगे, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो भी हैं इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और बार बार वीडियो को देखिएगा, तब आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर होते चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, यह कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक्स का 65% बराबर किसके, वाई के 13% के बराबर है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यदि वाई बराबर कितना है, 2000 है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, एक्स गुणे में 65% को हटाना है, भाग देना होगा 100 से, बराबर वाई का कब किस में बदलेंगे, गुणा में 13/100 कितना आ जाएगा, 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, वाई, वाई का मान कितना है यहाँ पर, 2000 है, तो 2000 × 13/ कितना आ जाएगा, 65, ये गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, 13 × 52 13/65, 5 से इसको काटेंगे, 5 × 20 ठीक है, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 400, और यही हमसे पूछ रखा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा ठीक है। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग मान लेते हैं कि 100% हमारे क्या हुए, 100% छात्र परीक्षा में बैठे थे मान लेते हैं हम लोग। अब देखिएगा यहाँ पर कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं, 35%, अगर हमारे पास 100% कुल छात्र बैठे थे तो हमारे पास 100 में से माइनस अगर 35% निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 65 आ जाएगा, 65% ठीक। अब ये छात्र कितने होंगे जो ये 35% क्या थे, पास हुए थे, और ये कितना आ जाएंगे, 65% क्या आ जाएंगे, फेल, और 65% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 455, यानी कि 65% बराबर कितना आ जाएगा, 455, 65 से इसको काटेंगे, 7 बार में कट जाएगा, 1% का मान कितना आ गया, 7, यानी कि 100% छात्र परीक्षा में बैठे थे तो कितना आ जाएगा, 700, यही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको बहुत ही शानदार तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, जो भी आपके डाउट होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आप साथियों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने के लिए मिलता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं ठीक है, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है
आप लोग उसका पूर्णांक क्या मानेंगे, 100% मानेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहां पर देखिएगा उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की जरूरत है, कितने 40% अंक की जरूरत है, किसके लिए, उत्तीर्ण होने के लिए। और उत्तीर्णांक हो कितना जाएगा, क्योंकि वह कह रहा है 180 अंक पाता है, 180 अंक पाता है और 180 अंक से ही क्या हो जाता है, वो अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 180 अंक जब कम होगा तो 180 अंक हम लोग क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो यही क्या हो जाएगा, 40% के बराबर हो जाएगा, यानी कि उत्तीर्णांक के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से 1% का अगर हम लोग मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 360, और ये बटे में क्या आ जाएगा, 40, जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 9 6 36, ठीक है। यानी कि 1% का मान हमारे पास कितना आ गया, 9। अब इसी को अगर हम लोग 100% के बराबर अगर लिख दें तो 100% क्या हो जाएगा, ये 900 के बराबर हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही परीक्षा में पूर्णांक होगा, कितने का, 900 अंकों का पूर्णांक होगा, 900 अंकों की वह परीक्षा होगी जिसमें वो विद्यार्थी इतने अंक पाता था। और इस प्रकार से इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है, और ज्यादा से ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को हम शुरुआती दौर में ही बताए थे कि दशमलव को कैसे हटाया जाता है, किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देख करके आप लोगों को घबराना नहीं है, सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को देख करके जल्दीबाजी के चक्कर में इस टाइप के क्वेश्चन को गलत करते हैं, तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये कह रहा है कि 0.001% को क्या करना है, दशमलव में व्यक्त करना है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 0.001 और प्रतिशत को हटा करके क्या करेंगे, गुणा करेंगे 1/100 से। जब भी आपको हर में जितने अंक का दशमलव दिया रहता है उतने ही क्या होता है, जितना जीरो दिया रहता है उतने ही अंक पर दशमलव बाई तरफ क्या हो जाता है, खिसक जाता है, यानी कि यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर दशमलव कितने अंक के बाद लग जाएगा, 2 जीरो और बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा, 2 अंक के बाई तरफ और खिसक जाएगा, यानी कि 0.0001 यही क्या हो जाएगा, दशमलव में हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान से करिएगा और गलती जल्दी ध्यान दीजिएगा। 50 मीटर का 30% है, यानी कि आप लोगों को क्या करना होगा, 50 गुणे में क्या हो जाएगा, 30%, प्रतिशत को हटाएंगे क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5/3 का गुणा करेंगे कितना जाएगा, 15, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में देखने के लिए मिल जाता है, आप लोग जल्दीबाजी के चक्कर में क्या कर जाते हैं, गलत कर बैठते हैं, इसलिए आप लोगों को एग्जाम में जल्दीबाजी नहीं करने की जरूरत है, आप लोग क्वेश्चन को आसानी से करें और बेहतर करें, ठीक है। और ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं। आइए ध्यान दीजिए प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। घर के आंतरिक हिस्से पर किया गया खर्च इसके मूल्य का 40% था, अगर आंतरिक हिस्से पर 16 लाख की लागत होती है तो घर की कीमत क्या है, ठीक है। यानी कि 40% किसके बराबर हो जाएगा, 40% किसके बराबर हो जाएगा, 16 लाख के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 16 लाख के बराबर। 1% का मान अगर हम लोग निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, 16 लाख बटे कितना आ जाएगा, 40, और हम लोग हमारे पास घर की कीमत पूछा है, यानी कि 100% क्या आ जाएगा, 16 लाख गुणे 100 बटे में क्या आ जाएगा, 40, जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे, 4 लाख बार में कट जाएगा 16 लाख, ठीक है, और इसका 4 लाख का गुणा हम लोग 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 लाख आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे 1x1, सारे टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे, और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो आप लोग अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में
कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।